हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। ये फ़ोन है मेरे पास, टेक्नो कैमोनाई 4। तो ये फ़ोन पहले डेड था, ठीक है। तो इसको हमने रेडी किया, और रेडी कैसे किया, रेडी सिर्फ इसको फ्लैश करने से ये फ़ोन रेडी हो गया। तो हम इसको कैसे फ्लैश करते हैं आज वो देखेंगे, ठीक है। तो ये है कैमोनाई 4, ओके। और इसमें पैटर्न भी लगा हुआ है, शायद कस्टमर का फ़ोन था। तो ये वॉन हो चुका है, ये रेडी फ़ोन है। तो हम इसको फिर से फ्लैश करेंगे, लेकिन फ्लैश कैसे करते हैं हम आज वो देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए 3 फाइल चाहिए, ठीक है। इसका ड्राइवर, ये मीडियाटेक फ़ोन है, तो आपको आप किसी भी मीडियाटेक ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आपको ड्राइवर लिंक मिल जाएगा, ओके। तो ये है ड्राइवर, इसको एक्स्ट्रा करके हमको ये मिला है, पहले ये आपको इंस्टॉल करना है, ओके। और इसके बाद ये है टेक्नो फ्लैश टूल, टेक्नो फ्लैश टूल को आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। टेक्नो फ्लैश टूल, ये है टेक्नो फ्लैश टूल, इसको एक्सेप्ट करके हमको ये मिला है। और ये है टेक्नो कैमोनाई 4 का फ्लैश फाइल, ओके। ये तीनों फाइल आपको चाहिए, ये तीनों फाइल एक्सेप्ट करके आपको ये 3 फाइल मिलेगा, और ये 3 फाइल से आपको फ़ोन को फ्लैश करना है। तो एट फर्स्ट हम लोगों को इंस्टॉल करना है ड्राइवर। ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद, ड्राइवर ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर लिया, तो ड्राइवर इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं आप लोगों को वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, वो एक लंबी प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है। और टेक्नो फ्लैश टूल से हमको फ्लैश करना है, तो हम पहले टेक्नो फ्लैश टूल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको ओपन कर लिया, यहाँ पे swd-aftersales.exe, ये जो exe फाइल है इसको हमको डबल क्लिक करना है, ओके, और रन करना है। तो हमने रन कर दिया और ये ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। अब ये टूल रन हो गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको जो करना है, हमारी फ्लैश फाइल है ये, ठीक है। इसको हम इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करके हमको ये फाइल मिला है, तो इसको इस फाइल को हमको यूज़ करना है। ये है हमारा फ्लैश फाइल, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ये टूल में हम जाएंगे और यहाँ पे जो सेटिंग्स आइकन है, सेटिंग्स आइकन गियर बॉक्स आइकन है, गियर आइकन है, इसमें हमको क्लिक करना है, ओके। और यहाँ से जो लोड आइकन है इसमें क्लिक करना है, और डेस्कटॉप में हमारा फाइल है, और डेस्कटॉप में हमको जाना है, और वहाँ से इसका जो फोल्डर है, फ्लैश फाइल का फोल्डर है, ये है फ्लैश फाइल का फोल्डर, हम इसको ओपन कर लेते हैं। और MT6761 इस फाइल को हमको सेलेक्ट करना है, एंड्रॉइड टेक्स्ट, हम ओपन कर लिया। और इसमें हमको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फर्मवेयर अपग्रेड, ओके, 2 नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कंफर्म करना है, ठीक है। तो अब हमने कंफर्म कर दिया, तो ये रेडी हो गया। और इसमें नेक्स्ट हमको क्लिक करना है, ये जो ग्रीन बटन है, ठीक है, ये है प्ले बटन और स्टार्ट बटन, तो इसमें हमको क्लिक करना है और फाइल को ये कॉन्फ़िगर कर लेगा और वेरीफाई कर लेगा, ओके। तो इसमें थोड़ा टाइम लगते हैं, तो हम इसको इसमें क्लिक करते हैं ग्रीन बटन आइकन में, तो इसमें क्लिक किया और वैलिडेट चेक सम, और ये फाइल वैलिडेटिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। फाइल वैलिडेटिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमको अवॉइड करना है। और क्या करना है, इस फ़ोन को हमको, अगर फ़ोन आपके पास डेड है तो कोई बात नहीं, तो आपको सिर्फ वॉल्यूम अप की और डाउन की, दोनों की एक साथ प्रेस करके फ़ोन को अटैच करना है। अगर ड्राइवर आप इंस्टॉल कर लिया, तो आपको सिर्फ फ़ोन को अटैच करना है, ओके। तो हमने जो ये टूल है, इसमें अगर अब ये ग्रीन बटन चला गया और स्टॉप आइकॉन आ गया, लेकिन एक्चुअली इसमें क्या हुआ, ये फ्लैशिंग का प्रोग्राम रन हो गया है, ठीक है। हम फ़ोन को कनेक्ट करेंगे और फ़ोन फ्लैशिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें हम फ़ोन को पहले स्विच ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें स्लाइड डाउन टू स्वीप डाउन टू शट डाउन, स्वाइप डाउन टू शट डाउन, हम फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। अब हमको फ़ोन को कनेक्ट करना है, क्या कैसे, वॉल्यूम ऑफ और डाउन, ये बोथ दोनों की एक साथ प्रेस करना है और यूएसबी को अटैच करना है, ओके। तो हम दोनों की एक साथ प्रेस किया है और यूएसबी को अटैच किया, और इंस्टेंटली हमारे कंप्यूटर में फ्लैशिंग का जो सॉफ्टवेयर था, इसमें फ्लैशिंग स्टार्ट होना शुरू कर दिया, और यहाँ में एक पोर्ट शो कर दिया, COM 2020 मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट, ठीक है। तो फ्लैशिंग हमारा स्टार्ट हो गया है, हम वेट करते हैं फ्लैशिंग कंप्लीट होने का।
अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही डेली अपडेट लेके आ रहा है और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, और इसलिए आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। और आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं, हम हर दिन लाइव आ रहा है, ठीक है। लाइव लाइव का कोई एक्यूरेट टाइम नहीं है, लेकिन हर दिन हम लाइव आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ठीक है। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और हमारे फ्लैशिंग सिस्टम इमेज फ्लैशिंग हो रहा है अभी, 80-90% कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको सिर्फ फ़ोन को डिसकनेक्ट करना है और फ़ोन को ऑन करना है, ठीक है। तो हम फ़ोन को डिसकनेक्ट करते हैं और फ़ोन को ऑन करते हैं। अब फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हम ये चेक करेंगे, ठीक है। तो हम फ़ोन को डिसकनेक्ट कर लिया और ऑन कर रहे हो, पावर की प्रेस किया मैंने, फ़ोन ऑन हो रहा है। तो ऐसे ही टेक्नो फ़ोन को फ्लैश कर रहा है। हम वॉइस करते हैं, फ़ोन पूरे ऑन होते हैं कि नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फास्ट बूट में थोड़ा टाइम लगता है इस फ़ोन में। तो हम पीसी को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। हम फोन को ऑन होने का वॉइस करते हैं, इसमें टूल को हम एग्जिट कर लेते हैं। यस,
अब फोन पूरा ऑन हो गया है, ठीक है, इसमें पैटर्न भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको सेटअप कर लेते हैं। स्किप कंटिन्यू। आप आपके जैसे सेटअप कर लीजिए। इंडिया नेक्स्ट। तो अब सेटअप विज़र्ड कंप्लीट हो गया है, तो ऐसे ही टेक्नो फोन को फ्लैश करते हैं। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।